नमस्कार दोस्तों, ये भैया रात के 12:10, ठीक है। और अभी से ही मेरे को इतने मैसेज आ रहे हैं कि खुलेगा कहाँ 200 पॉइंट। देखिए, यहाँ से कुछ नहीं बोल सकते आप, खुलेगा कहाँ। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत अवेलेबल है वो इधर अवेलेबल है, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी 19613 97 पॉइंट डाउन, और ये तब था जब डाउ जोन्स कितना था, 33530 के आसपास, है ना। चक्कर क्या है, जब से गिफ्ट निफ्टी शुरू हुआ है तो यहाँ जो निफ्टी फ्यूचर दिखाते थे जो US मार्केट के साथ साथ चलता था, ये चलना बंद हो गया है, ठीक है। और SGX निफ्टी जो सिंगापुर में होता था वो चलना बंद हो गया, गिफ्ट निफ्टी भी इंडिया में हो गया और ना वो चल रहा है ना निफ्टी फ्यूचर चल रहा है जो US मार्केट के साथ साथ ट्रेड होता था वो चलता था, और ना SGX निफ्टी चल रहा है। तो पता ही नहीं है कितना, जब 150-200 पॉइंट डाउन हो के मेरे ख्याल में अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो शायद ये 50 पॉइंट और जोड़ लीजिए आप इसमें, 150 पॉइंट, तो 19550 के आसपास, शायद 560 के आसपास आपका गिफ्ट निफ्टी दिखेगा, ठीक है, यहाँ से। और इसके लगभग 100 पॉइंट नीचे चल रहा है अपना स्पॉट, इसके गिफ्ट निफ्टी के 100 पॉइंट नीचे के लगभग चल रहा है अपना स्पॉट चल रहा है। अब वो कल सुबह ही पता लगेगा भैया कि क्या है यहाँ पे, आसार तो नीचे खुलने के ही लग रहे हैं। देखो अभी 1.5-2 घंटा तो US मार्केट का भी बाकी है, लास्ट में रिकवरी देके शायद थोड़ा बंद करेगा, ठीक है, ताकि बायर्स को ट्रैप किया जा सके, सपोर्ट आ गया। अगर पूरे इंडेक्स की बैंड बजी पड़ी है, निकाई 32,000 सुबह देखा था मैंने, 400 के आसपास ट्रेड कर रहा था, 1000 पॉइंट गिर गया वहाँ से ऊपर जब ट्रेड कर रहा था, फ्यूचर है उसका ये 15,300 का फ्यूचर का बहुत बड़ा सपोर्ट है डेक्स का, जर्मन मार्केट का, ठीक है। और आपका ये सपोर्ट को तोड़ चुका है 7,100 के फ्रांस का मार्केट, हाँ लंदन मार्केट अभी भी ऊपर ही है ऐसे। और साइन जो है वो ख़राब ही है, आप इधर जाएंगे, क्रूड तो थोड़ा हल्का है यार, बढ़िया, ठीक है, इसने ज़रूर अपनी पर 88 पे सपोर्ट है, जैसा मैंने वीडियो बना के बताया था आपके। दिक्कत है ये जो 106.6 पे ट्रेड कर रहा है डॉलर इंडेक्स, ये लगा इसने लंका लगने का कारण यही है, जो थोड़ी बहुत लंका आपको लगती हुई दिख रही है और लगेगी, भाई भाई बहुत तड़पाया इसने बियर्स ने, ठीक है, आओ अभी ज़रा। तो यहाँ से है भैया मेन चीज़, और आप देखेंगे कल आपका रुपया भी फिर शायद ब्रेकआउट दे जाए, 83.20 का लेवल है, कल हो सकता है रुपया आपको 83.30-40 क्रॉस करता हुआ दिखे। डॉलर इंडेक्स ने जिस प्रकार से लगभग 1% की तेजी है डॉलर इंडेक्स में, ये देखिए आप लगेगा, तो रुपया भी कल आपको और कमज़ोर होता हुआ दिखेगा, मतलब बढ़ेगा ये रुपया, ये आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, ठीक है। क्रिप्टो तो तेज है, और दूसरी चीज़ है भैया ये बॉन्ड यील्ड, देखिए 2.5% 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड। अब बॉन्ड यील्ड पे अगर इतना ब्याज मिलेगा तो इक्विटी से पैसा निकालेंगे लोग, वो डालेंगे इधर, वो 4.6 के ऊपर बने रहने का मतलब है 5 का टारगेट निकल के आ रहा है इसका, 4.6 के ऊपर बने रहने का मतलब, ठीक है, मतलब ये जो आने वाला फ्राइडे है अगर ये 4.6 के ऊपर ही बना रहता है तो ये ऊपर वाले जोन में शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे फिर 5 का टारगेट निकल के आ रहा है इसका 10 ईयर की बॉन्ड रेट का, 30 भी है, 2 भी है इधर, इन सब की मैं नहीं बात कर रहा, मैं सिर्फ 10 वाले की बात कर रहा हूँ। तो इधर अभी फ़िलहाल अंदाज़ा लगाना मुश्किल है भाई, पर जिस प्रकार से गिरावट हुई थी जो रात को फ्राइडे को गिफ्ट निफ्टी जो गिरा था US मार्केट के उसके हिसाब से, तो मेरे हिसाब से अभी इसी के आसपास अगर नापा जाए तो 150 पॉइंट के करीब नीचे होना चाहिए। अगर रिकवर कर देता है 33,500 के आसपास बंद हो जाता है तो फिर वही 90-100 पॉइंट के आसपास दिखेगा आपको सुबह सुबह। बाकी अभी काफ़ी चीज़ बाकी है, सुबह भी ये निकाई चलेगा, ये भी चलेगा, देखेंगे मैं लेवल जो होगा फिर सुबह ही बता पाऊँगा आपको टेलीग्राम पे,
क्योंकि गिफ्ट निफ्टी 150 पॉइंट गैप डाउन दिखाएगा, 200 पॉइंट गैप डाउन दिखाएगा, हम खुलेंगे कहाँ पता नहीं भाई कुछ। ठीक है, इतना है 19,560, इसके नीचे मार्केट ख़राब ही रहने वाला है। ठीक है, 19,560 के नीचे मार्केट अगर है तो उसकी लंका लगने वाली है। 19,560 नहीं क्रॉस होना चाहिए, चाहे जहाँ मर्जी खुले, बस ये अभी इतना मैं आपको बता सकता हूँ। तो धैर्य रखिए, इतने मैसेजेस आ रहे हैं तो अंदाज़ा तो यही बोलता है कि फ़िलहाल अगर 33,300 है तो ये जो गिफ्ट निफ्टी है ये आपका 150 पॉइंट के लगभग नीचे हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ से चले दोस्तों, बाकी सुबह ही देखेंगे। मैं एक चाय पे चर्चा कल आपके साथ कोशिश करूँगा शेयर करने की, उसमें आपके साथ डिस्कशन कर दूँगा।